हेलो, आई एम ऋषभ मदर्स। मैं बहुत खुश हूँ, ऋषभ ने इतना अच्छा परफॉर्म किया और हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऋषभ की फ़र्स्ट रैंक आएगी। इनफैक्ट कोई भी ये उम्मीद नहीं कर सकता कि बच्चे की फ़र्स्ट रैंक आएगी। हमने सोचा था कि अच्छी रैंक आएगी, दैट्स इट। और ये ऋषभ की मेहनत और उसके गुरु लोगों का मार्गदर्शन और उसके मित्रों का सहयोग और ईश्वर की कृपा, इन सब से ही ये संभव हो पाया है। ऋषभ बचपन से ही बहुत होनहार था। स्कूल में उसके टीचर्स सब उससे बहुत खुश रहते थे और सबका प्यार और स्नेह उसको बराबर मिलता था। वो उसी स्नेह के साथ, उसी आशीर्वाद के साथ दिल्ली आया और यहाँ पर भी उसने अपने गुरु लोगों का आशीर्वाद हमेशा लिया। उसने हमेशा अपने गुरु लोगों के बताए हुए रास्ते पर चला। सब बच्चों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, ड्रीम बिग और उस पर आगे बढ़ें, एंड डोंट स्टेयर बट स्टेप अप द स्टेयर्स। कभी कभी ऋषभ बहुत परेशान होता था कि मम्मा कैसे होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। मेरा उससे यही कहना था कि तुम्हें बिल्कुल कभी भी रिज़ल्ट के लिए परेशान नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि तुम पास होगे नहीं होगे, बस जस्ट पुट योर 100%। और बहुत बार उसको रात को नींद नहीं आती थी, एग्ज़ाम से पहले भी नींद नहीं आती थी। मैं उसको बताती थी कि बस जस्ट रिलैक्स और आँख बंद करके लेटो, जस्ट उसको थोड़ा सा मेडिटेशन कराया। एंड आई फील कि सब बच्चों को मेडिटेशन करना चाहिए थोड़ा, जिससे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है और वो छोटी मोटी चीज़ों से घबराते नहीं है। सब बच्चों की लाइफ में ये टाइम आता है कि उनको अपने ऊपर डाउट रहता है कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उस डाउट होने से आपको और इम्प्रूवमेंट का फ़ायदा होता है, आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आप उसमें और मेहनत डालते हैं और एफर्ट डालते हैं। अगर आप पहले से ही सोचते हैं कि यस आई कैन, मैं तो कर लूँगा, तो आपका एफर्ट कहीं कम रह जाता है। और सेकंड थिंग कि आप अपने डाउट्स, अपनी कमियाँ अपने टीचर्स से डिस्कस जरूर करें। ऋषभ हमेशा अपने डाउट्स टीचर्स से डिस्कस करता था, जिसकी वजह से उसकी कंसेप्ट बहुत क्लियर होते गए और ऋषभ का सब्जेक्ट पे पकड़ बहुत अच्छी हो गई। पढ़ाई लिखाई के अलावा ऋषभ और चीज़ों में भी इंटरेस्ट लेता था। उसको गेम्स का शौक था और बास्केटबॉल बहुत अच्छी खेलता था और संगीत का भी उसे शौक था। वो गाना बहुत अच्छा गाता है, तबला भी बजाता है और वायलिन भी प्ले करता है। हाँ, बाकी सब पेरेंट्स के लिए मेरा मैसेज रहेगा कि बच्चों को प्रोत्साहन करें, उनको प्रेशर नहीं करें और बच्चों के साथ अपना वक्त निकालकर बच्चों के साथ कुछ वक्त अवश्य बिताएं, जिससे बच्चों को अपनी बातें शेयर करने में बहुत वक्त लग जाता है, एकदम से वो शेयर नहीं करते हैं। हाँ, बच्चों को क्वालिटी ऑफ टाइम दें।